बच्चों चलिए आज हम लोग चलते हैं फिर से क्लास 12th की मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में पिछले वीडियोज में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि डबल डिफरेंशिएशन भी उसको बोलते हैं, या फिर प्यारे बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसको बोला जाता है, या डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब प्यारे बच्चों उसको दो बार डिफरेंशिएट करना, तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। चलिए आज फिर से हम लोग क्लास 12th मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 5.7 का प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्यारे छात्रों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है प्यारे बच्चों तो मेरे पिछले वाले वीडियोज में मैंने एक थ्योरी बताया है, वो एक्सरसाइज 5.7 के नाम से, आप प्लीज उसको जाकर अच्छे से देखिए, आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में ही हमको निकालना है, एक से लेकर 10 तक के क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों हमको दो बार डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि उसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना। तो पहले क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए, बहुत सारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन भी कर लिए। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स। तो प्यारे बच्चों ये हम एग्जाम्पल के तौर पे भी पिछले वीडियोज में पिछले क्लास में हम इसको कर चुके हैं। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन करने में एक्स कॉस एक्स को, तो प्लीज आप जाकर पिछले वाले वीडियोज को जरूर देखिए, तभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये क्या बोला जा रहा है। चलिए फिर से हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, अच्छा 4 नहीं होगा तो चलिए 4 को हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, log x दिया है तो आप अपने तरीके से मान लीजिए कि let y बराबर log x। जब आपने log x मान लिया प्यारे बच्चों तो एक बार dy बाय dx निकालिए, तो dy बाय dx बराबर d log x बटा dx, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे बच्चे 1/x। अब आपको अगेन करना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.7 में प्यारे बच्चों हम लोगों को जो करना है वो सेकेंड ऑर्डर करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए एक बार जो हम लोग को आया अब इसी को हम लोग दोबारा करते हैं। तो जब डबल डिफरेंशिएशन किया जाता है तब उसको क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब किसका करना है तो 1/x का, तो डी 1/x जो आया हुआ है करके पहले वाला का, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है। नीचे वाला एक से प्यारे बच्चे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स के पावर -1 बट्टा डी एक्स। और पता है ना बच्चे कि अगर माइनस अगर कुछ भी पावर में रहता है वो पहले आ जाता है, तो पावर में क्या है -1, तो -1 को आगे ले आएंगे इंटू एक्स के पावर, घट जाता है तो माइनस वो ऑलरेडी 1 है तो यहां बन जाएगा -1 बट्टा में एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज, बशर्ते आपको क्या करना है डबल डिफरेंशिएशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे एक्स क्यू लॉग एक्स, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आप y इसको मान लीजिएगा और u इंटू v पे पहले इसको तोड़ लीजिएगा, और जो आएगा पहला बार डिफरेंशिएशन फिर उसको आप दूसरा बार कर दीजिएगा। तो सबसे सिंपल है, हम सिर्फ आपको हिंट्स के तौर पे बता रहे हैं कि एक्स क्यू को आप मानिएगा u और log x को मानिएगा v, और u इंटू v के जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का आप इसको तोड़ दीजिए तो पहला बार का dy बाय dx आ जाएगा, और जो dy बाय dx आएगा फिर से आप उसको कर दीजिए एक बार और डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्यारे बच्चे वो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। 6 कैसा क्वेश्चन है जरा दिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है e के पावर x sin 5x। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको मान लीजिए y, e के पावर x sin 5x, ऐसा क्वेश्चन है। तो जैसा हम अभी पांचवा नंबर बोले वैसे ही आप इसको कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, तो u इंटू v का फॉर्मूला पे आप dy बाय dx निकाल लीजिए,
क्या होता है, u को बाहर निकालो तो u के e के पावर x बाहर निकल गया। v का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों यानी कि 5x का डिफ सॉरी v तो पूरा है ना sin 5x, sin 5x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे बच्चे 5x के रिस्पेक्ट में, और फिर नीचे वाला को ले जाएंगे ऊपर 5x को 5x के सॉरी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि u को बाहर किए और v का डिफरेंशिएशन, फिर क्या फार्मूला होता है, v को बाहर कीजिए यानी कि sin 5x को बाहर कीजिए, u का डिफरेंशिएशन कह रहे बच्चों e के पावर x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e के पावर x और sin का होता है cos, तो cos लेकिन एंगल में क्या है 5x इंटू पांच प्यारे बच्चे बाहर निकलेगा तो dx बाय dx बचेगा और dx बाय dx का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां से निकल के 5 आ जाएगा प्लस sin 5x इंटू e के पावर x का प्यारे बच्चे e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऑलरेडी e के पावर x ही होगा। तो अभी हम लोग को फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन ये आ चुका है, यानी कि अगर हम लोग अगर बोलना चाहें तो हमें ये चीज आ गया है एक बार डिफरेंशिएशन करने से। जरा इसको अच्छा से लिख लेते हैं क्या बना, तो 5 e के पावर x cos 5x प्लस e के पावर x sin 5x। पहले बच्चे आपको करना क्या है, अब की बार फिर से अगेन करेंगे तो इसको भी u इंटू भी पे तोड़ लेंगे, 5 को पहले बाहर निकाल लीजिएगा, u इंटू भी पे पहले इसको तोड़ लीजिएगा, फिर v और इसको फिर से u इंटू भी पे तोड़ लीजिएगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब की बार इसमें अगर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे आप, यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको दो दो बार u इंटू भी लगाना पड़ेगा, एक ये वाला पार्ट में और एक प्लस वाले के उधर वाले पार्ट में e के पावर x इंटू साइन 5x में, तो इसका वाला का आंसर जो आएगा इसका वाला का आंसर आएगा, दोनों को एक साथ मिलाकर आंसर देख लेंगे, वो हो जाएगा हम लोग का डबल डिफरेंशिएशन, तो कुल मिलाकर ये हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो आपको हम एक डिफरेंशिएशन निकालकर दिखा दिए हैं, जैसे इसको u इंटू भी पे तोड़े हैं, आप भी इसको 5 को पहले बाहर निकाल लीजिएगा, u इंटू भी को कर लीजिएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 e के पावर x को ही आप u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, ऐसा भी तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 5 को बाहर निकाल लीजिए। तो e के पावर x और sin 5x इसको भी u इंटू भी पे कर लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक डिफरेंशिएशन आपको हम करके दिखा दिए इस क्वेश्चन में। आप अगली बार मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप खुद इसका निकालने का प्रयास कीजिए और आंसर मैच करने का प्रयास कीजिए, हालांकि अगर आंसर मैच नहीं करता है आप बिल्कुल बेझिझक ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं बनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह का है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे e के पावर 6x cos 3x, e के पावर 6x इंटू cos 3x, तो प्यारे बच्चे इसको सबसे पहले आप मान लीजिए y, जब y मानेंगे प्यारे बच्चे तो आप इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, तो पहले u इंटू v का फार्मूला dy बाई dx में, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए आप dy बाई dx, क्या फार्मूला प्यारे बच्चों, u को बाहर करो तो हम e के पावर 6 के को बाहर कर लिए, फिर बोल रहा है v का डिफरेंशिएशन करो तो d cos 3x बटा किसके रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, तो cos के बगल में क्या है 3x, तो 3x के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला चला जाता है ऊपर तो डी थ्री एक्स बट्टा डी एक्स, अब तो हो गया। फिर प्लस क्या बोलता है कि इस बार भी को बाहर करना होता है, कॉस थ्री एक्स को बाहर कर लिए, यू का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों यानी कि ई के पावर 6x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो ई के जो पावर में होता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 6x के रिस्पेक्ट में,
और ऊपर जाएगा 6x, तो अब कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों हम एक डिफरेंशिएशन करके दिखा दे रहे हैं, e के पावर 6x का e के पावर 6x इंटू कॉस एक्स का क्या बनेगा प्यारे बच्चों माइनस साइन 3x इंटू इसका कितना बनेगा प्यारे बच्चों ऑनली 3 बनेगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो dx बटा dx बचेगा, और dx बटा dx का वैल्यू 1 प्लस इसका कितना बनेगा तो cos 3x इंटू e के पावर 6x इंटू 6। प्यारे बच्चों जैसा कि हम पहले सवाल में कर रहे थे, अब आपको ये तो एक बार डिफरेंशिएशन ना आया, अब की बार आपको क्या करना है एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको जरा अच्छे से लिखेंगे तो माइनस 3 e के पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 cos 3x इंटू e के पावर 6x। अब की बार प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, ये तो dy बाय dx का मान आया, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। तो इसमें आप क्या कीजिएगा दो पार्ट में, यहां पे भी आप यू इंटू भी लगाइएगा, यहां पे भी यू इंटू भी लगाइएगा, या आपकी इच्छा माइनस थ्री को आप बाहर ले लीजिएगा, समझ में आ रहा है, माइनस थ्री को बाहर ले लीजिएगा तो यू इंटू भी, यू को बाहर, भी का डिफरेंशिएशन प्लस भी को बाहर यानी कि साइन 3x को बाहर, यू का डिफरेंशिएशन फिर ब्रैकेट, और फिर प्लस 6 को ऑलरेडी बाहर कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है, और फिर इसमें यू इंटू भी आप किसी को भी यू मान सकते हैं, आप अगर कोस 3x को मानेंगे तो आप पहले कोस 3x लिखिए, फिर e के पावर 6x को डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि चैन रूल का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कोस के बगल में 3x है तो 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे, 6x पावर में 6x आएगा तो 6x देना होगा, समझ में आ रहा है ना, लेकिन ध्यान रहे कि जो 6 बाहर किए हैं उसके बाद ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि 6 जो है दोनों से गुना होगा, बीच में प्लस होता है ना यू इंटू भी में, जब आप यू इंटू भी लगाते हैं तो बीच में प्लस होता है, तो 6 को हम लोग दोनों से बारी बारी से गुना करेंगे, और इस माइनस 3 को भी बारी बारी से गुना करेंगे, और जो एक जाति का होगा उसको एक जाति के साथ एड करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं, अगर मान लिया कि बुक के आंसर आपको मैच नहीं करता है तो आप अपने पे भरोसा कीजिए, खुद से बनाइए, और फिर अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में सेंड मैसेज कीजिए। चलिए तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक की कर लिए, क्वेश्चन 8 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चे अभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं, ये जो एक्सरसाइज है ना प्यारे बच्चे ये कुछ और नहीं है, आपको एक समझिए कि प्रैक्टिस हो रहा है, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, यू इंटू भी, लेकिन करने का जो जरिया है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं आठवें क्वेश्चन में टेन इनवर्स एक्स, प्यारे बच्चों टेन इनवर्स एक्स है तो आप मान लीजिए लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो अब इसको तो हमको सवाल में आप पढ़े होंगे या फिर आपके सामने बुक होगी, तो आप यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में सवाल जो है उसको आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। प्यारे बच्चों दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी दो बार डिफरेंशिएशन करना है बच्चे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटा dx क्या होगा डी टेन इनवर्स एक्स बट्टा dx, और प्यारे बच्चे इसका तो हमको वैल्यू पता ही है, ये तो फार्मूला पे आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम आंसर तक इसलिए बनाएंगे प्यारे बच्चे क्योंकि आपको अब जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है कि सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप कैसे करेंगे, तो लफड़ा वाली बात हो गई। प्यारे बच्चों लफड़ा कुछ नहीं है, आप एक बार डिफरेंशिएशन करके ला दिए ना, आपको क्या करना है अगेन कितनी बार तो दो बार, तो दो बार वाले को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब इसमें हम लोग उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं जो मेरा पहले वाला डिफरेंशिएशन करके आ चुका है, तो क्या आ चुका है प्यारे बच्चे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स, और प्यारे बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लगेगा यू बट्टा भी का फॉर्मूला, ऊपर 1 है तो इसको मान लीजिए यू, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको मान लीजिए भी,
तो प्यारे बच्चों फार्मूला याद होगा कि डिफरेंशिएशन में भागा का फार्मूला क्या होता है, तो जो नीचे होता है भी उसको भी स्क्वायर लिखा जाता है, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, भी स्क्वायर हो गया। फिर सवाल ये बोलता है कि भी को बाहर निकालो, तो हम क्या किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को प्यारे बच्चों बाहर कर लिए। अब जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिए तो अब अंदर में क्या बच गया, यू का डिफ्रेंसिएशन, मतलब प्यारे बच्चों 1 का डिफ्रेंसिएशन। फिर किया जाता है माइनस, माइनस करने के बाद यू को बाहर किया जाता है, मतलब कि हम 1 को बाहर कर लिए बच्चे। फिर भी का डिफ्रेंसिएशन, भी मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा dx। चलिए चूंकि आप ऊपर समझ गए होंगे तो हम ऊपर वाले चीजों को मिटाते हैं। प्यारे बच्चे आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, हम एक कितनी बार बता चुके हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी कांस्टेंट रहता है उसका डिफरेंशिएशन कितनी होती है, जीरो। तो यहां 1 का डिफरेंशिएशन है तो उसका वैल्यू जीरो होगा, और जीरो से अगर इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी यहां पे हम जीरो लिख सकते हैं। फिर है माइनस, तो माइनस देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसको दो पार्ट में तोड़े तो 1 का तो डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चे जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, तो यहां डायरेक्ट 2x लिखेंगे बट्टा इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जो हम लोग का आंसर आएगा वो माइनस 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आप चीजों को अच्छा से समझ रहे हैं प्यारे बच्चे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बस नाम का है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन, ये बस नाम का है। आपको अगर डिफरेंशिएशन करने आ गया एक बार तो हमें कई बार भी सवाल बोले, एक बार, दो बार, चार बार, हजार बार, हम आराम से उसको अंजाम देख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। अगर आप उन चीजों को पहली बार को अच्छे से डिफरेंशिएशन कर लिया, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी बार डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि जो पहला बार आया है आप उसको डिफरेंशिएशन फिर एक बार और कर दो, वो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन या फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन। अगर प्यारे बच्चे 9 नंबर को अच्छे से आप समझ जाएंगे तो हम लोगों का 10 भी बन जाएगा, क्योंकि 10 भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो 9 नंबर हम बता देते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग का इस एक्सरसाइज में 10 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर में वैसे ही वाई बराबर आप मान लीजिएगा लॉग लॉग एक्स, लॉग फिर लॉग एक्स, इस तरीके से है। तो अब सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो डी वाई वाई की जगह पे क्या है लॉग लॉग एक्स। प्यारे बच्चों अब किसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे, तो लॉग के जो अंदर है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो हम यहां लॉग के अंदर में लॉग एक्स है तो यहां करेंगे लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों नीचे वाला जाएगा ऊपर तो क्या बचेगा लॉग एक्स बट्टा अब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो एक बार करके आएगा हम लोगों को क्या आ गया प्यारे बच्चों लॉग लॉग एक्स का हो गया 1/x, यानी कि 1/log x इंटू यहां पे होगा log x का क्या होगा 1/x। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग को कुछ इस तरीके से मिल गया, कौन सा तरीका मिल गया 1/x इंटू log x। प्यारे बच्चों ये आ गया हम लोगों को एक बार डिफरेंशिएशन करने से। अब हम यू बोले तो अब अगेन करना है हमको दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तो अब की बार फिर से आप कर लो डिफरेंशिएशन, तो आप लिखेंगे अगेन दो बार डिफरेंशिएशन को लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब पहली बार का क्या डिफरेंशिएशन आया है तो 1/x log x को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप यहां देखेंगे कि हमें कैसा दिख रहा है डिफरेंशिएशन, तो बट्टा वाला डिफरेंशिएशन दिख रहा है, मतलब कि ऊपर यू और नीचे पूरा जो है भी है। तो फार्मूला क्या बोलता है कि नीचे भी का आप स्क्वायर कर लो, तो भी का स्क्वायर का मतलब एक्स और लॉग एक्स है, ये दोनों को क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर सवाल क्या बोलता है कि भी को आप पहले बाहर निकाल लो, तो हम भी को बाहर निकाल लिए, एक्स लॉग एक्स को बाहर निकाल लिए,
फिर बोल रहा है यू का डिफरेंशिएशन कर लो, तो हम यू का डिफरेंशिएशन कर लिए। फिर बोलता है माइनस करो, फार्मूला से हम लोग चल रहे हैं। अब की बार बोलता है यू को बाहर करो, तो यू को बाहर कर लिए वन। फिर प्यारे बच्चों वी का डिफरेंशिएशन करो, तो वी का डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, यही ना। चलिए आपको फिर से एक स्टेप और बढ़ना है प्यारे बच्चों। यहां कुछ भी होगा, यहां तो वन है, और जब भी वन है तो वन का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों कितनी होगी, जीरो। और जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और ये रहेगा माइनस। वन का तो कोई माने मतलब नहीं है, क्योंकि वन को किसी भी डिजिट नंबर से गुना करते हैं तो वही डिजिट नंबर रहता है, तो वन का वन हमें भी छोड़ दिए हैं। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा ना एक्स लॉग एक्स का, उसमें फिर से यू इंटू भी लगेगा। आप कभी भी हड़बड़ाइए नहीं, आप चीजों को अच्छे से देखिए। हमको तो कुल मिलाकर एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना प्यारे बच्चों। अब एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कैसे, तो ये जो डिफरेंशिएशन है दोनों गुना पर है, तो यहां गुना वाला आप रूल लगा दीजिए, मतलब कि एक्स को बाहर तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस, क्योंकि यू इंटू भी में प्लस होता है, भी को बाहर करो तो एक्स का डिफरेंशिएशन। यानी कि प्यारे बच्चों इसका जो डिफरेंशिएशन करना था तो ये हम लोगों ने कर दिया, और बट्टा में तो ऑलरेडी लिखना है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा इन्हीं चीजों को अच्छे से अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम खुद ऑटोमेटिक आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में भले थोड़ा सा आपको यू इंटू भी हर कदम कदम पे लगाना है, यू बट्टा भी कदम कदम पे लगाना है, लेकिन प्यारे बच्चों ये कहीं हार्ड नहीं समझना है इसको, क्योंकि आप जितना बार सोचेंगे जितना बार प्रैक्टिस करेंगे आपका बेस उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए आप डरे नहीं, आपको हर एक सवाल में इस तरह के क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में यू इंटू भी यू बाई भी लगाना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। और खास करके मामला तब ये हो जाता है कि हमें तो दो दो बार डिफरेंशिएशन करना भाई। पहला बार डिफरेंशिएशन तो खाली एक बार यू इंटू भी लग रहा है, लेकिन जब हम उसको दूसरी बार करने जा रहे हैं तो दो दो बार यू इंटू भी लग रहा है। जब दूसरी बार हम कर रहे हैं तो एक बार यू बटा भी लग रहा है, और फिर यू इंटू भी लग जा रहे हैं। तो ये सब आपको जांच परीक्षा के लिए अंतिम अंतिम एक्सरसाइज में ऐसा ही देता है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ताकि आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कि आप अच्छे से यू इंटू भी यू बटा भी लगाना सीख गए हैं। चलिए आगे हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों। ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस को एक बार इसके साथ अटैचमेंट कराएंगे तो माइनस बचेगा, और एक्स को एक्स लिखेंगे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। अब इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस होगा, और यहां सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्यारे बच्चों एक्स लॉग एक्स, क्योंकि डीएक्स बाई डीएक्स का वैल्यू वन होता है, बटा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां पर दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो वन प्लस लॉग एक्स, और नीचे बन रहा होगा एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग इसका आंसर छोड़ देंगे, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। या नहीं तो हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर अलग और लॉग एक्स का होल स्क्वायर अलग, तो कोई बात हुआ नहीं, हम लोग यहां तक के आंसर छोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आप 10 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो सेम वही क्वेश्चन है, बशर्ते क्या है, साइन के अंदर में लॉग एक्स है। तो आप इसको बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग ने एक से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को किया, कुछ हम क्वेश्चन में हिंट कर चुके हैं जो लोगों से नहीं बना है, जो पिछले दिन जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उनको हम एक हिंट्स के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। अब आधा काम आपका रह गया है, आप उसको पूरा कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग 5.7 एक्सरसाइज को के क्वेश्चन नंबर 10 तक के आज कंप्लीट कर लिए प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन छोड़े हैं हम, जो क्वेश्चन को अधूरा बनाए हैं हम, आप उसको प्लीज पूरा कर लीजिए। कहीं गलत हो सही हो उसके लिए हम आपके साथ हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सीधे एक ग्रुप जो बना हुआ है आप वहां पे से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगली क्लास में। धन्यवाद।